नमस्कार स्वागत है आप सभी का ए विद्या चैनल नंबर चार पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी आज के सत्र में कक्षा कक्षाचार के विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत ही रोचक पाठ और ये पाठ है प्ले विद पैटर्न्स और ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं हमारे मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करवा दें हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार जैन जो कि नेशनल अवार्डी टीचर हैं प्रतिभा निगम विद्यालय रोहिणी दिल्ली में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी और हम पाठ पढ़ें उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दें कि आप हमें डी के साथ साथ YouTube पर भी देख सकते हैं YouTube पर हमारा पता है हमारे चैनल का नाम है जो आप नोट कर लें एन सी ई आर टी ऑफिशियल यहाँ पर आप हमें चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं या अपने प्रश्न भी अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं इसके साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपको बता दें मोबाइल नंबर है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन और ईमेल एड्रेस है डी टी एच क्लास डॉट क्लास फोर एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और इन सूचनाओं के बाद हम सत्र की शुरुआत करें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना रिगार्डिंग जी ट्वेंटी We are proud to announce, to, uh, announce that uh, India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions. for the well-being of all and in doing so, manifesting the true spirit of वसुधैव Kutumbakam or the world is one family. भारत पूरी दुनिया को एक विश्वा एक परिवार मानता है पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और इसी भावना के साथ जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहा है और जल्द ही भारत में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आ, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और अब हम शुरुआत करते हैं सत्र की और सर से आग्रह करता हूँ मैं कि पढ़ाने की शुरुआत करें किस तरह से पैटर्न के माध्यम से हमारे छात्र हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दर्शक हैं वो कैसे सीख सकते हैं मैथ्स के छोटे छोटे सवाल आसानी से जी थैंक यू तो हेलो बच्चों अक्सर हम लोग जो है ना अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बने होते हैं और अगर हम वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं दो तरह की होती हैं एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरी होती हैं मैनमेड जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं तो इनमें किस किस तरह के डिज़ाइन्स होते हैं पहले हम सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं पहले हम बात करते हैं ऐसी वस्तुओं की जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जैसे यहाँ पर कुछ चित्र आप देख पा रहे होंगे। यहाँ एक तितली का चित्र बना हुआ है और इसके अंदर आपने देखे होंगे बड़े बड़े ही सुंदर सुंदर कलर अलग अलग तरह के डिज़ाइन की तितलियाँ आपको दिखाई देंगी और इधर दूसरा एक चित्र ये पत्तों का आप देख सकते हो पत्ते भी आपने पेड़ों पर देखे होंगे अलग अलग डिज़ाइंस के बड़े सुंदर सुंदर और एक यहाँ इंद्रधनुष जो कि बारिश के दिनों में और धूप जब निकलती है उसमें तब ये बनता है इसमें भी हमारे अलग अलग तरह के रंग कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर दिखाई देते हैं और यहाँ एक एनिमल है ये जेब्रा इसमें भी आप देख सकते हो किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है तो ये कुछ वस्तुएँ थी जो कि नेचुरल हैं अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तुओं की जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर एक फ़र्श का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे फर्श के अंदर टाइल्स लगी होती हैं अलग अलग डिज़ाइंस की तो ये कितनी सुंदर दिखती हैं ऐसे ही यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक कटीला तार जब हम वायरिंग करते हैं बाउंड्री बनाते हैं उसके अंदर कुछ कटीले तार लगाते हैं तो इसमें भी एक सीक्वेंस एक आप देख पा रहे होंगे कुछ डिजाइन इसके अंदर बना हुआ ऐसी एक माला यहाँ देख पा रहे हो माला के अंदर मोती हैं अलग अलग रंग के मोती हैं और एक सिस्टेमेटिक ढंग से इनको आ, पिरोया हुआ है इसके अंदर और उसके बाद एक खिड़की की ग्रिल देख पा रहे हो आप खिड़कियों में ग्रिल्स होती हैं ग्रिल्स में डिज़ाइन आप देख पाएंगे अलग अलग तरह के डिज़ाइन्स बने होते हैं तो ये हमने बात की कुछ दो तरह की वस्तुओं की जिनमें हमने डिज़ाइंस देखे सुंदर सुंदर तो अब हम कुछ डिज़ाइंस खुद बनाकर देखते हैं जैसे आपने देखा होगा कि साड़ी के अंदर भी आपने बड़े बड़े सुंदर कुछ डिजाइन्स देखे होंगे तो हम कुछ डिजाइन्स अपने बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैंने ये कलर लिया है और जब डिज़ाइन्स बनाते हैं तो उसके लिए कुछ लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स इस तरह के ब्लॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ मैं एक डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ जैसे एक बटरफ्लाई का है ये तो इसको अगर हम इस तरह से आप देखिए ये मैंने यहाँ इसका प्रिंट बनाया तो ये बटरफ्लाई बनी अब मैं क्या करता हूँ इसका फेस जो है वो टर्न कर देता हूँ और इसको दूसरे तरीके से इस पर प्रिंट करता हूँ ये देखिए ये उल्टा हो गया इससे और इसको फिर सीधा कर लेते हैं एक बार फिर उल्टा कर लेते हैं तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बड़ा ही सुंदर तरीके से जो है ना ये डिज़ाइन साड़ी के ऊपर बन रहा है और इसमें हमने क्या एक पैटर्न फॉलो किया है पहले हमने बटरफ्लाई एक बार सीधी इसके अंदर प्रिंट लिया इसका फिर एक बार इसको उल्टा किया फिर से सीधा किया फिर से उल्टा किया तो ये वाला हमने इसके अंदर एक पैटर्न यूज़ किया तो इस तरह से हम इसको करते जाएंगे और ये इस पर प्रिंट आ जाएगा साड़ी के ऊपर तो इसके बाद हम चलते हैं साड़ी पर तो हमने देख लिया डिज़ाइन जो चद्दर हम बिछाते हैं अपने बेड के ऊपर उस पर भी कुछ डिज़ाइन्स बने होते हैं तो हम उसका भी एक डिज़ाइन बना के देख लेते हैं इन्हीं ब्लॉक्स को हम लेते हैं पहले हम बटरफ्लाई का एक बना के देख लेते हैं ये हमने बनाया बटरफ्लाई का और उसके बाद एक और हमने ब्लॉक लिया ये वाला इसको भी हम करके देख लेते हैं ये हमने इसके बाद ये बनाया और फिर से एक बार बटरफ्लाई लेकिन इस बार हम इसको उल्टा करके लगाते हैं ये हमने किया इसके बाद फिर इसको सीधा कर देंगे तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने क्या पैटर्न यूज़ किया है पहले बटरफ्लाई को सीधा लिया फिर बीच में एक दूसरा ब्लॉक लिया फिर बटरफ्लाई को उल्टा लिया उसके बाद फिर से यही डिज़ाइन रिपीट होना शुरू हो जाता है तो इस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइंस कपड़ों के ऊपर ब्लॉक्स के द्वारा बना सकते हैं एक और हम देखते हैं एक दुपट्टे पर डिज़ाइन देख लेते हैं तो यहाँ उसके लिए मैं जो है ब्लॉक ये वाला इस्तेमाल करता हूँ और इस वाले ब्लॉक को देखिए मैं किस तरह का डिज़ाइन बना रहा हूँ इसके ऊपर पहले हमने इसको ऐसे बनाया सीधा फिर हमने इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया फिर हमने इसको फिर से टर्न किया एक बार फिर से टर्न करते हैं फिर से करिए एक बार टर्न करने के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ पर टर्न किया तो ये बिल्कुल पहले जैसा आ गया जैसे पहले था यानी इसको हमने चार बार घुमाया इसको पहले सीधा फिर राइट टर्न फिर नीचे की तरफ़ ले गए फिर लेफ़्ट की तरफ फिर से ये ऊपर की तरफ आ गया यानी फिर से ये रिपीट होना शुरू हो गया तो ये इस तरह के डिज़ाइंस इस तरह के पैटर्न्स बहुत सारी वस्तुओं पर आप देखते हो अपने चारों तरफ और कुछ हमने जो है यहाँ पर बना के देखे तो इसके आगे चलते हैं फिर हम बात करते हैं इसी पर अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया पैटर्न तो अगर हम बात करें कि पैटर्न होता क्या है तो इसे देख लेते हैं एक्चुअल में पैटर्न होता क्या है यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि उ, कुछ वस्तुओं आकृतियों या संख्याओं के क्रम में जब हम वस्तुओं आकृतियों और संख्याओं को किसी क्रम में लगाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई नियम होता है जिस नियम के तहत हम उनको लगाते हैं और वो नियम बार बार उसके अंदर दोहराया जाता है तो जब किन्हीं वस्तुओं आकृतियों और संख्याओं के क्रम में किसी नियम को बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम पैटर्न कहते हैं तो इस नियम के पैटर्न के और नियम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे यहाँ पर आप कुछ फिगर्स देख पा रहे होगे कुछ फिगर्स बनिए एक स्क्वायर बना हुआ है फिर एक सर्कल है उसके बाद फिर से स्क्वायर बना हुआ है फिर सर्कल है फिर स्क्वायर बना हुआ है फिर सर्कल है तो यहाँ पर अगर हम नियम की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि स्क्वायर सर्कल उसके बाद फिर से यही दोनों चीज़ें अगर हम बात करें ये वाली दोनों चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है। ये बार बार स्क्वायर और सर्कल इसके अंदर रिपीट हो रहा है तो इसके नियम की बात करें इस पैटर्न की तो यही है कि स्क्वायर और सर्कल ये बार बार रिपीट होगा इसके अंदर नेक्स्ट एक और देख लेते हैं यहाँ पर आप देखिए सर्कल जो है ग्रीन कलर का सर्कल है फिर रेड है फिर पिंक है और उसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है ग्रीन रेड और पिंक तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये तीनों इकट्ठे साथ ले लें तो यही फिर से बार बार रिपीट होते हैं ग्रीन रेड पिंक ग्रीन रेड पिंक तो इसमें जो नियम है वो यही है कि ये तीनों बार बार रिपीट होंगे उसके बाद एक नंबर्स पर देख लेते हैं तो यहाँ नंबर्स को आप देख पाओगे अगर हम इनको रिलेट करें पहले थ्री है फिर सिक्स थ्री से सिक्स कैसे आया हमारा इसमें थ्री प्लस करें अगर थ्री के अंदर हम तो सिक्स आ जाता है सिक्स के बाद नाइन यानी हम थ्री थ्री अगर इसमें प्लस करते जाएं तो नेक्स्ट नंबर आता जाता है तो यहाँ अगर हम नियम की बात करें तो इसके अंदर नियम हो रहा है प्लस थ्री जहाँ सब में देखेंगे आप सब में क्या हो रहा है इसमें प्लस थ्री प्लस थ्री यानी तीन तीन इसके अंदर बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो नियम है इस पैटर्न में वो यही है थ्री थ्री से ये इनक्रीज़ हो रहा है तो ये हमने देखे कुछ पैटर्न्स और उनके अंदर नियम कौन से लागू होते हैं उसके अंदर तो अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने देख लिया पैटर्न क्या होता है और उसके अंदर नियम किस तरह से आ, लगते हैं पैटर्न के अंदर तो अब आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस है यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें कि इसके अंदर कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर तो यहाँ अगर हम देखें तो दो ग्रीन ऊपर की तरफ एरो आ रहे हैं फिर दो पिंक नीचे की तरफ फिर से दो ग्रीन ऊपर की तरफ और दो पिंक नीचे की तरफ तो अगर हम यहाँ बात कर लें इसकी तो ये चारों जो है एक साथ आते हैं और उसके बाद फिर से यही चारों रिपीट हो जाते हैं तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो यही चारों इसके अंदर आने चाहिए लेकिन हमें सिर्फ दो ही बनाने हैं तो पहले हम क्या बनाएंगे दो ग्रीन बनाएंगे दो ग्रीन बनेंगे इसके अंदर दो की ही जगह हमारे इसके अंदर तो इनको ग्रीन कलर कर देंगे उसके बाद भी बनाना हो तो हम पिंक के दो ला सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कौन सा नियम फॉलो हो रहा है इसके अंदर तो यहाँ आप देख पा रहे होगी कि ये फिगर्स में अगर हम नंबर ऑफ़ साइड्स की बात करें तो पहली फिगर में थ्री नंबर ऑफ़ साइड्स हैं फिर नेक्स्ट में फोर हो जाती हैं उसके नेक्स्ट में फ़ाइव और उसके नेक्स्ट में सिक्स तो हम इजीली बता सकते हैं कि इससे नेक्स्ट में कौन सी फिगर आएगी यानी एक ऐसी फिगर जिसके अंदर कितनी साइड्स होंगी सिक्स के बाद सेवन साइड्स होगी तो ये एक सेवन साइड्स का हम ऐसे करके एक सेवन साइड वाली फिगर बना देंगे इसके अंदर तो यहाँ पर जो पैटर्न जो नियम पैटर्न के अंदर है वो है कि नंबर ऑफ साइड्स एक एक बढ़ रही है इसके अंदर फिर उसके बाद इसके अंदर बात करें हम इस पैटर्न के अंदर तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर सारे ही स्क्वायर्स हैं बीच में उनके डाइंगल्स बने हुए हैं लेकिन इसमें जो एक कलर्ड पार्ट है वन फोर्थ पार्ट कलर्ड ये कुछ जो है रोटेट हो रहा है पहले ऊपर की तरफ है फिर राइट right को आया फिर नीचे आया फिर लेफ्ट आया तो इसके बाद कहाँ जाएगा घूम फिर से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो अगर हमें इसे बनाना हो तो हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर बनाएंगे दोनों डायगनल्स बनाएंगे और ऊपर वाला ये फेल हो जाएगा फिर से ये ऊपर वाला यानी ये चारों चार बार घूमने के बाद फिर से ये वापस उसी पोजीशन में आ जाता है तो यहाँ हमने देखे कुछ पैटर्न्स जो कि आकृतियों के अंदर हैं ये सारी आकृतियाँ थी उनमें किस तरह से पैटर्न चलते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स अक्षरों के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं जैसे ये हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं तो यहाँ पर आप देखिए पहले ए आया उसके बाद बी और फिर से ए आ गया और फिर से बी यानी अगर हम यहाँ पर नियम की बात करें तो यहाँ पहले ए बी आया दोनों साथ फिर से ए बी आ गया और फिर से ए बी और फिर ए बी आना चाहिए तो ए के बाद क्या आएगा यहाँ पर बी और फिर से अगर हम बात करें तो फिर से ए बी आएगा तो पहले क्या आएगा ए तो ये हमारा था एक अल्फ़ाबेट का पैटर्न उसके बाद एक नेक्स्ट एक और अल्फ़ाबेट का पैटर्न है तो यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे कि पहले है सिंगल अल्फ़ाबेट ए उसके बाद हो जाते हैं टू अल्फ़ाबेट्स फिर थ्री और फिर फोर लेकिन अल्फ़ाबेट्स में भी यहाँ पर मिसिंग है बीच बीच में ए के बाद सी आ जाता है सी के बाद ई e, और ई e के बाद जी यानी एक एक अल्फ़ाबेट इसमें मिसिंग है तो ए के बाद बी मिसिंग है सी के बाद डी मिसिंग है ई e के बाद एफ मिसिंग है फिर जी के बाद क्या मिसिंग होना चाहिए एच मिसिंग होगा तो एच के बाद क्या आएगा आई और आई के यहाँ पर कितने होने चाहिए एक एक बढ़ता जा रहा है फोर तक आ चुके हैं तो इसमें फाइव आइज़ आएंगे बट हमारे पास दो ही ब्लैंक स्पेस है तो उसमें दो आई बनाएंगे इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा ये एक और अल्फ़ाबेट के ऊपर तो यहाँ पर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि क्या इसके अंदर नियम कौन सा चल रहा है तो अगर आप देखें वाई के बाद डब्ल्यू आ रहा है एक तो ये देख पाओगे आपकी उल्टा आ रहा है इसके अंदर वापस चल रहे हैं हम इसके अंदर तो वाई और w के बीच में एक एक्स भी आता है तो यहाँ एक मिसिंग है एक्स इसके अंदर ऐसे ही w और यू के अंदर हम देखें तो वी मिसिंग है इसके अंदर यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और एक एक इसमें छोड़ के चल रहे हैं तो इसी अगर नियम को हम फॉलो करें तो एम के बाद वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में इससे पहले क्या आएगा एल आएगा एम से पहले एल आता है तो उसको हम छोड़ देंगे और उससे पहले आता है के यहाँ के? के ले लेंगे और के से पहले जे आता है उसे हम छोड़ देंगे और जे से पहले आई आता है तो यहाँ पर जो नियम था वो यही था कि एक एक छोड़ के लिखना है और रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखना है तो ये हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स में पैटर्न देखे इसके बाद हम कुछ संख्याओं के पैटर्न देख लेते हैं संख्याओं में भी पैटर्नस होते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हो संख्या एक ट्वेंटी फ़ाइव है एक ट्वेंटी है फिर फिफ्टीन और टेन अगर हम इसे देखें तो कितने कितने मार्जिन से ये रिड्यूस हो रहा है फ़ाइव फाइव के मार्जिन से रिड्यूस हो रहा है यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में माइनस फाइव हो रहा है यहाँ भी माइनस फाइव ये माइनस फाइव तो यहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस फाइव तो माइनस फाइव करेंगे तो कितना आएगा फाइव उसके बाद एक और हम नंबर पैटर्न देखते हैं यहाँ देखिए आप पहले नाइन है नाइन के बाद वन ज़ीरो नाइन फिर टू जीरो नाइन तो यहाँ आप देख पाओगे इन दोनों के अंदर कितना इंक्रीज हो गया हंड्रेड इंक्रीज हो गया और इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ भी हंड्रेड इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ जो नियम चल रहा है इसके अंदर कि हंड्रेड हंड्रेड इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसमें भी हंड्रेड इंक्रीज़ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड नाइन नेक्स्ट देखते हैं एक और एक ये पैटर्न है पहले वन है और फिर फोर फिर नाइन और फिर सिक्सटीन तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से हम इसको देखें तो ये ऐसा सारे स्क्वेयर्ड नंबर्स हैं यानी एक ही नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो इस तरह के नंबर आते हैं जैसे वन को अगर हम वन से मल्टीप्लाई कर दें तो वन आएगा उसके बाद ये टू है टू को टू से मल्टीप्लाई करें फोर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें नाइन फोर को फोर से मल्टीप्लाई करें सिक्सटीन तो नेक्स्ट आना चाहिए हमारा फाइव इंटू फाइव और जो बनता है हमारा ट्वेंटी फाइव तो ये इसके अंदर पैटर्न था और नियम था इसके अंदर कि उसी नंबर को सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है और एक एक इंक्रीज करते जाना है तो ये हमने कुछ डिफरेंट जो है यहाँ पर देखे पैटर्न उसके बाद कुछ और देख लेते हैं संख्याओं से ही रिलेटेड पैटर्न यहाँ आप देख पा रहे हो कि नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं फाइव फाइव के गैप में तो यहाँ हमने क्या करना है नियम इसके अंदर बताया हुआ है कि दो संख्याओं को जोड़कर बीच की संख्या बनती है यानी अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो ये ऊपर वाली संख्या बनेगी बीच की ये हो गया फ़िफ्टीन फिर इन दोनों को जोड़ें टेन और फिफ्टीन को तो ये बनेगा ट्वेंटी फाइव ऐसे इनको जोड़ें तो ये थर्टी फाइव और इनको जोड़ने से बनेगा फोर्टी फाइव फिर ऐसे ऊपर चलते जाएंगे फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव हो जाते हैं फोर्टी इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये सिक्सटी और इनको जोड़ने से हो जाता है एट्टी फिर से इन दोनों को जोड़ें फोर्टी और सिक्सटी तो ये हो गया हंड्रेड और ये हो गया वन फोर्टी और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो ये बनेगा टू फोर्टी टू फोर्टी तो ये हमने एक पैटर्न देखा है इसके अंदर सेम इसी तरह का अगर हम इसके अंदर अप्लाई करें तो टेन और ट्वेंटी हो जाएगा थर्टी ट्वेंटी और थर्टी हो गया फिफ्टी थर्टी और फोर्टी सेवेंटी फिर ऊपर ऐड करेंगे तो ये दोनों एटी और ये हो गया वन ट्वेंटी और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू हंड्रेड तो ये देखा आपने कि संख्याओं में कितने कैसे इसके अंदर पैटर्न बनते हैं और कैसे हम उनको करते हैं उसके बाद एक और पैटर्न देखते हैं संख्याओं को जोड़ के पैटर्न हम इसको बोलेंगे जैसे फर्स्ट रो में अगर आप देखेंगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इनको अगर हम ऐड करते हैं तो फिफ्टीन आता है उसके नेक्स्ट रो में क्या किया हुआ है एक एक नंबर इंक्रीज कर दिया सब में वन को टू टू को थ्री थ्री को फोर फोर को फाइव और फाइव को सिक्स लिखा है यानी सारे फ़ाइव नंबर्स में एक एक इंक्रीज कर दिया है तो इसके टोटल में कितना इंक्रीज होना चाहिए फाइव नंबर्स हैं तो फ़ाइव इंक्रीज हो जाना चाहिए यानी इसका टोटल कितना आएगा इसमें हम फाइव इंक्रीज कर दें तो ट्वेंटी हो जाएगा तो ऐसे ही एक एक जब इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो टोटल में फाइव इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना ऐड करे हुए 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 और 30 के बाद 35। तो पैटर्न में जब वही नियम फॉलो करते हैं हम एक ही नियम उसके अंदर चलता है तो हम उसमें इनको जैसे बिना ऐड करे भी उस पैटर्न को फॉलो करके हम इनके टोटल लिख पाए इसके अंदर नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फ्लोर्स के अंदर फर्स्ट के अंदर भी आप लोग देखो देखोगे अपने घरों में भी कि कुछ टाइल्स होती हैं बड़ी सुंदर सुंदर और उनसे फ़र्श पर पैटर्न बनते हैं उसके अंदर तो एक हम पैटर्न देखते हैं जैसे ये एक हमारे पास एक टाइल है uh, हेक्सागन यानी सिक्स साइड वाली एक टाइल है तो अगर इन टाइल्स को हम जोड़ के लगाएं तो आप देखिए किस तरह का फर्श के अंदर पैटर्न बनता है इस तरह से जोड़ जोड़ कर इन सारी टाइल्स को अगर हम लगाएं इसके अंदर तो आप देखोगे इस तरह की टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी फ्लोर्स पे ये देखिए तो ये फ्लोरिंग हो गई पूरी और एक चीज़ इसके अंदर आप खा खास जो है नोटिस करेंगे कि, कि किसी भी टाइल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है जी तो ऐसी ही टाइल्स यूज़ की जाती हैं जिनके बीच में कोई स्पेस ना बचे जिससे कि वेस्टेज ना हो टाइल्स के अंदर तो यहाँ हमने ये देखी एक टाइल जो कि सिक्स साइड वाली टाइल्स थी उसके बाद एक और टाइल हम देखते हैं इस टाइल की शेप है हमारे पास ये डायमंड टाइप की डायमंड शेप की ये आप देख पाओगे इसको तो इससे भी अगर हम वो बनाएं फ्लोर जिसको कहते हैं तो आप देखिए इससे कितना सुंदर जो है फ्लोरिंग बनती है इससे ये हमने बनाया एक फ़्लावर टाइप का इसी तरह से एक और फ्लावर हम बना सकते हैं फ्लावर बन गया बीच में जो स्पेस बचे हुए हैं यहां भी हम लगा सकते हैं ये हमने एक यहां पे लगा दिया एक यहां लगा दिया उसके बाद इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं एक यहाँ लगा देते हैं और एक आ जाएगा यहां पर तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कि जो टाइल्स हम लगा रहे हैं इनके बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं बच रही है तो ऐसी ही टाइल्स को हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्पेस ना बचे तो ये वाली डायमंड टाइप की शेप की भी हम टाइल यूज़ कर सकते हैं फ्लोरिंग के अंदर ठीक है सर जी उसके बाद हम एक और अब देखते हैं हमने बात की कि स्पेस नहीं बचना चाहिए तो एक टाइल हमारे पास और भी है ये वाली हम इसकी फ्लोरिंग बना के देखते हैं कि इससे क्या बनता है या नहीं बनता है वैसे सर्कुलर टाइप की आपने कहीं टाइल देखी नहीं होंगी शायद फ्लोरिंग में तो वो क्यों नहीं होती हैं इस तरह की वो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे ये हमने टाइल्स को लगाया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस तरह की टाइल्स हम क्यों नहीं यूज़ करते बच्चों आप बता सकते हो कि ये वाली टाइल हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं जी सर क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक गैप है जैसा कि इससे पहले आपने जो दोनों प्रकार की टाइल दिखाई उनमें दोनों में बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं था जी और यहाँ पर एक स्पेसिफ़िक गैप हर टाइल के बीच में हाँ गैप आ रहा है तो और उसको फिल करना पड़ेगा किसी अलग पैठा हाँ, से हाँ, किसी हाँ अलग तो उनको फिल से। करने के लिए हमें इस तरह की टाइल्स एक्चुअल में मिलेंगी नहीं जो बीच में इनको भरने के लिए तो या तो किसी बड़े साइज़ की लेकिन उनको कट करना पड़ेगा उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगी तो हम अभी हमने देखा कि फ्लोर के अंदर फर्स्ट में हम ऐसी टाइल्स यूज़ करते हैं जिनकी शेप इस तरह की होती है कि हम उन्हें वेस्टेज ना हो उसके अंदर तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ दीवार के भी पैटर्न आप देख पा रहे होंगे तो ये दीवार के भी इस तरह से पैटर्न होते हैं यहाँ आप देख पाओगे कि तीन तरह के इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं अगर हम बात करूँ इसकी डॉट वाले की डॉट वाले के बाद क्या आ रहा है डॉट के बाद आ रहा है येलो कलर का तो हम यहाँ पर येलो डाल सकते हैं येलो के बाद ये आ रहा है डिज़ाइन का इसको यहाँ लगा सकते हैं उसके बाद डॉट का तो इस तरह कर कर के हम इसको सारे को फिल कर सकते हैं जी तो इसी तरह से जो है दीवार के एक और सुंदर आप देख पा रहे होंगे ये भी दीवार का पैटर्न है इसमें भी हम इस तरह के जो है लगा सकते हैं इसके अंदर ये देखिए आप पूरा फिल हो जाता है जी इसमें कोई गैप नहीं बचता है इस तरह से बहुत सुंदर जी तो ऐसे करके हम इसे तो पूरा भर सकते। इस तरह के पैटर्न इस तरह के डिज़ाइन इस तरह की आकृतियाँ अपने घरों पर अपने स्कूल में या आसपास के क्षेत्रों में देखते ही होंगे और इसी तरह से पैटर्न को आप सीख सकते हैं समझ सकते हैं और आपके पास जो भी खेलने या पढ़ने की चीज़ें हैं उनको भी पैटर्न में बना करके आप कुछ न कुछ आकृति या डिज़ाइन आप उसे निर्मित कर सकते हैं उसे देख सकते हैं खेल सकते हैं तो प्ले विथ पैटर्न्स आज का ये टॉपिक था कक्षा चार के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे साथ जुड़े थे हमारे एक्सपर्ट हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर समय निकालने इंके? के लिए और हमारे छात्रों हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए और हम आग्रह करेंगे अपने दर्शकों से कि लगातार इसी तरह से ई विद्या चैनल ई विद्या प्लेटफॉर्म के साथ आप भी जुड़े रहिए शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए लेकिन चलते चलते आपसे एक जरूरी सूचना शेयर करना ज़रूरी है जो है आपकी पाठ्यपुस्तकों से संबंधित तो 2023 और 24 पाठ्य सत्र के लिए अगर आपने नई पाठ्यपुस्तकें नहीं ली हैं नहीं परचेज़ कर सके हैं तो आपके पास विकल्प अभी भी मौजूद हैं आप देश के अलग अलग शहरों में सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं वहाँ से ले सकते हैं जो दिल्ली और अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता गुवाहाटी में है ये सेल्स काउंटर सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छः बजे के बीच में सप्ताह के साथों दिन खुले रहते हैं छुट्टियों के दिन भी आप यहाँ पर जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट आप लॉग ऑन कर सकते हैं जो है एन साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इसके लिए जो वेबसाइट का एड्रेस है वो बता दें आपको एन एन .ncert है और ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड करने का विकल्प भी आपके सामने मौजूद है इसके लिए आप एन ई विद्या या पाठशाला ई पाठशाला और दीक्षा की वेबसाइट्स और एप्लीकेशन्स के माध्यम से ये पुस्तकें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी सूचना के साथ चाहूँगा आप सभी से अनुमति लेकिन आप बने रहिए ई विद्या प्लेटफॉर्म के साथ धन्यवाद नमस्कार